हमारा स्वरूप सच्चिदानंद में है, हमारे आराध्य देव सच्चिदानंद में है, आराध्य देव का धाम सच्चिदानंद में है, नाम रूप लीला सच्चिदानंद में है। ऐसे सच्चिदानंद में समुदाय में हम दुख भोग रहे हैं, हमें रोगों का कष्ट है, मृत्यु का भय है, नाना प्रकार की भोगों की तृष्णा जला रही है, कामनाएं वासनाएं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब रात दिन अंतःकरण में जला रहे हैं, अशांत कर रहे हैं। ये देहात्म बुद्धि, ये स्वार्थ बुद्धि गुरु कृपा से नष्ट होती है। अगर हम गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास कर ले तो हमारी स्वार्थ बुद्धि परमार्थ बुद्धि बन जाए। जब तक स्वार्थ का त्याग नहीं होता तो परमार्थ का पता ही नहीं चलता। स्वार्थ मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, ये जो मन पांच ज्ञानेन्द्रियों को लेकर विचरण करता रहता है विषयों में भोगों में संसार में, यही स्वार्थ दिखाई देता है। और यही सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे, अंतर्मुख करके अपने आराध्य देव के चिंतन में मन लग गया तो यही परमार्थ स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनी कथी संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे कि जी लाज धरी। सेवक जी महाराज कह रहे इस अविद्यामयी स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दो, पश्चाताप अशांति के सिवा कुछ हाथ नहीं लगना। देख लो इतना जीवन व्यतीत हो गया, यदि भजन नहीं हुआ तो क्या हाथ लगा। वही कामनाएं वही वासनाएं, एक बार एक जन्म जितना बचा है प्रभु के चरणों में देना है। स्वार्थ सकल तजी, लोक परलोक का भी स्वार्थ त्याग दे। सकल तजी ये प्रीति में अनीति है स्वार्थ। ये जितने सकाम भाव से किए हुए साधन भी हैं ये प्रीति में अनीति है। साधन सकल सकाम मति सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। ये स्वार्थ हमारी प्रीति में अनीति है। जितने भी कल्याण के साधन हैं मंगल साधन हैं हमारा उनसे भी संबंध नहीं। एकमात्र श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय और श्यामा श्याम की सेवा भजन।